हाय हेलो दोस्तों, मैं गणेश पवार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ गणेश पवार ब्लॉग में। तो आज पहली बार हम ट्राई करने जा रहे हैं कुछ अतरंगी थीम, मतलब आज पहली बार मैं शूट करने जा रहा हूँ एक हिंदी ब्लॉग। तो आज हम ट्रैवल कर रहे हैं कल्याण से मुरबाड़। तो मुरबाड़ में नहारी करके विलेज है, वो जो मेरा भाई का ससुराल है, तो आज हम वहाँ ट्रैवल करते हैं। और पहली बार मैं स्कूटी से कम 80-100 किलोमीटर ट्रैवल करने वाला हूँ। इससे पहले मैं बाइक राइडिंग कर चुका हूँ, बट मैं अपने बाइक से जाता हूँ, तो फर्स्ट टाइम स्कूटी से जा रहा हूँ, तो वो भी एक्सपीरियंस आपको देखने मिलेगा। और NH-61 कैसा है, रोड कैसा है, आपको ये भी इस ब्लॉग में देखने मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड, ब्लॉग पूरा देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो अभी हम कल्याण ईस्ट वेस्ट ब्रिज पार करके वेस्ट में आ चुके हैं। सो हम वेस्ट से जाएंगे मुरबाड़ की तरफ, और हमारे बाकी पब्लिक भी वेस्ट में जो डीमार्ट है वहां पे रुकी हुई है। हम सब एक साथ ज्वाइन होंगे, हाय हेलो करेंगे और फिर निकलेंगे मुरबाड़ की तरफ। यहां से मुरबाड़ लगभग 80-100 किलोमीटर है, तो हम सबके पास ऑलमोस्ट स्कूटी ही है, दो बाइक्स रहेंगी। सो डीमार्ट के पास हम सब मिलेंगे और फिर बढ़ेंगे मुरबाड़ की तरफ। सो अभी हमें बाकी की पब्लिक भी ज्वाइन हो चुकी है, अभी हम जा रहे हैं मुरबाड़ की तरफ। मुरबाड़ में नहारी करके विलेज है, जो कि मेरा भाई का ससुराल भी है। सो वहां पे वो जो विलेज है मार्शेस घाट, जहाँ से चालू होता है वहां पे ही नीचे एक लेफ्ट है, तो वहां से हम जाएंगे, तो वहां पे उनका विलेज आता है नहारी विलेज। सो अभी हम निकले हैं सब साथ में, नेशनल हाईवे 61 से निकलेंगे, और वहाँ पे एक छोटा वाटरफॉल भी आज हम विजिट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड इन ब्लॉग, देखो बहुत मजा आएगी आपको। सो अभी हम जा रहे हैं नेशनल हाईवे 61 से। तो यहाँ पे गाड़ी है ना दोस्तों, जरा से स्लो चलाना, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े बड़े टैंकर्स है या बड़े बड़े ट्रक्स है वो बहुत ही स्पीड से जाते हैं, तो जरा देख के चलाइए। और मौसम बारिश का है, इसके लिए आपको ग्रीनरी नेचर में दिख रहा है, और बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको इस व्लॉग में देखने मिलेगा।
और बड़े बड़े पेड़ भी हमें रास्ते में मिलेंगे, जो कि 100 साल 70 साल पुराने जो बरगद के पेड़ वगैरह होते हैं वो भी आपको इस वीडियो में देखने मिलेंगे। अभी तक तो रोड ठीक है, बट तभी भी वन वे होने के कारण यहाँ पे 2 ही लेन है, तो आप टेक केयर गाड़ी चलाते वक्त, क्योंकि यहाँ से गाड़ियां बहुत तेज गुजरती हैं। तो आप आजू बाजू में देख सकते हो, नेचर का अद्भुत नजारा तो आपको देखने मिल ही रहा है, प्लस रोड भी काफी अच्छा है, रोड का कंडीशन भी अच्छा है, बस बीच बीच में छोटे छोटे पॉट्स होल है वो आपको देख के चलाने होंगे। अभी तो फिलहाल बारिश नहीं है, उसकी वजह से वो क्लियरली दिख रहे हैं, पर बारिश जब भी चालू होगी उसमें पानी भरेगा तो दिख नहीं सकते, इसके लिए थोड़ा सा ड्राइव करते वक्त ध्यान रखिए। बाकी रोड तो बहुत ही अच्छा है और आपको बाइक राइडिंग करने में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस इस रोड पे मिलेगा, जो कि बहुत सारे लोग मालसेज की तरफ बाइक लेके ही जाते हैं, बाइक राइडर्स जो भी है वो यहाँ से हर बार जाते हैं, हर एवरी वीकेंड यहाँ पे बहुत भीड़ रहता है। सो होप सो हमें भीड़ ना मिले, तो देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं मुरबाड़ की तरफ। तो अभी बहुत देर गाड़ी चलाने के बाद हमने एक स्टॉप लिया है नाश्ता करने के लिए, तो सब बैठे हैं यहाँ पे। ए संकेत, बिछाने को बाल नहीं, तभी भी सर पे हाथ घुमा रहे हैं। तो हम हाईवे से गुजर रहे थे तो सरल गांव में हमें देखा साईनाथ महाराज का मंदिर, साई बाबा का मंदिर जो राइट साइड में हाईवे पे, तो हम वहाँ पे रुके 5-10 मिनट, थोड़ा पानी वगैरह पिए, फ्रेश हो गए और साई बाबा का आशीर्वाद लेके आगे का जर्नी हमने फिर से स्टार्ट कर दी। बोलो ओम साई राम साईनाथ महाराज की जय। आप देख सकते हो थोड़ा सा क्लाउडी है और सामने आपको हिल दिख रहे है, वो नानी घाट का हिल है, नानी घाट में एक फोर्ट है, बहुत ही सुंदर है, आप वहां पे भी विजिट कर सकते हो और उसके बाजू में मालशेष घाट भी है, सो आप दोनों का आनंद एक साथ उठा सकते हो, एक ही दिन में आपका ये दोनों ट्रैक हो सकता है, बट बहुत ही बेहतरीन प्लेस मानसून में विजिट करने के लिए है आपको। सो आप मानसून में अगर ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप बाइक लेके निकलिए, मुंबई से तकरीबन 119-120 किलोमीटर्स पे आपको एक ब्यूटीफुल नजारा मॉनसून ट्रैकिंग का मिल जाएगा।
तो फाइनली हमने लेफ्ट ले लिया है नेहाड़ी विलेज के लिए मालसेस घाट से। सो अभी हम जाएंगे घर पे, थोड़ा सा फ्रेश होंगे, नाश्ता करेंगे और निकलेंगे एक अच्छा सा वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के लिए। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं नेहाड़ी विलेज में। हमारी सब बाइक पार्क हो चुकी है और ये हमारी सब पब्लिक है जो चिल मार रहे हैं। अभी सब फ्रेश होंगे तुरंत और फटाफट फ्रेश होके हम निकलेंगे वाटरफॉल की ओर, क्योंकि अभी रेनी सीजन चल रहा है तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वाटरफॉल्स एंड पिकनिक स्पॉट्स आपको मार्शेस घाट में मिलेंगे। सो अभी देख रहे हो हमारी पब्लिक जो है चिल कर रही है, ये हूं मैं। सो अभी हम जा रहे हैं मालसेस घाट के वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करने के लिए। अभी हम जो हमें अच्छा वाटरफॉल मिलेगा वहाँ पे हम थोड़ा सा रुकेंगे, वाटरफॉल में उतरेंगे, थोड़ा सा पानी में एंजॉय करेंगे और फिर वापस हम घर के लिए लौटेंगे। सो चलिए अभी निकलते हैं वाटरफॉल की तरफ। अभी थोड़ा सा बारिश गिर रहा है, हम जब आए तभी बारिश बिल्कुल भी नहीं था। सो अभी थोड़ा सा बारिश गिर रहा है तो और मजा आएगा वाटरफॉल में। सो अभी हम फिर से मेन रोड पे जा रहे हैं। सो ये वही लेफ्ट है जो लेफ्ट मार के हम नेहाड़ी विलेज में गए थे और यहाँ से मालसेस घाट स्टार्ट होता है। सो आपको वहाँ पे अलग अलग शॉप्स भी दिखेंगे। और अभी हम रुके हैं, हमें थोड़ी दूरी पे 1-2 किलोमीटर पे अच्छा वाटरफॉल मिला। सो अभी हम उतरे हैं वाटरफॉल में और थोड़ा वाटर में उतर के थोड़ा सा मजा करेंगे, चिल करेंगे। अभी हम एंजॉय कर रहे हैं धबधबा पे, तो ये धबधबा है पीछे और संकेत भी है मेरे साथ और बाकी की टीम भी है, तो सब मजा कर रहे हैं। तो पानी में जाएंगे और फुल मजा लेंगे।
सो अभी पानी में मजा मस्ती करके अभी हम निकले हैं फिर से घर की ओर। अभी खाना खाएंगे और रेस्ट करेंगे क्योंकि हम बहुत थक गए हैं सुबह से गाड़ी चला के। ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटा गया हमारे ट्रैवल करने के लिए। सो अभी हम घर जाएंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे। सो कैसा लगा ब्लॉग आपको और कैसी लगी मेरी हिंदी ये भी मुझे कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए रेडी रहना क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में रहेगा पूरा माशेज घाटा में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलो बाय दोस्तों, स्टे टू गणेश पवार ब्लॉग्स एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए भूलना मत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।